कि आप भी कंफ्यूज हैं कि आपके वुडवर्क में क्या फिनिश होनी चाहिए, तो मैं आपको 6 एपिसोड्स में सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड नंबर 5, और मैं इसमें बताऊंगा आपको लैमिनेट, वीनियर, डेको, एक्रेलिक एंड पीयू फिनिश में रेजिस्टेंट कौन है पानी से। आप ही सोचते हो कि घर में मैं सारे प्रोडक्ट्स तो लगा दूं और पानी तो गिर सकता है, कोई छोटा बच्चा है उसने पानी गिरा दिया, मेट से पानी गिर गया तो क्या होगा। तो लैमिनेट की जितनी फिनिशेस होती हैं वो सब वाटरप्रूफ होती हैं या वाटर रेजिस्टेंट होती हैं बेसिकली, तो उसमें वाटर गिर भी जाए तो इजीली साफ हो जाता है, कुछ खराबी नहीं होती है। अब एक्रेलिक की बात करें, एक्रेलिक ना क्योंकि हाईली ग्रेडेड पेस्टेड मटेरियल है, फैक्ट्री से फिनिश होकर आता है, ये भी बहुत अच्छे से वाटर रेजिस्टेंट होता है अगर इसके अंदर कोई इसकी टेप या इसका कोई पीसेस बाहर से टूट ना जाए। तीसरा प्रोडक्ट है वीनियर। वीनियर क्योंकि वुडन है, पॉलिश है, तो इसके ऊपर पानी गिरता है तो खराब हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि जो भी पॉलिशिंग का एलिमेंट है या वीनियर का एलिमेंट है उस पर पानी बहुत ज्यादा ना गिरे, और गिरे भी तो जल्दी से साफ हो जाए। उसके बाद बात करते हैं डेको की। देखो क्योंकि एक पेंट पॉलिश है, अगेन ये भी पानी से खराब हो सकती है, तो जब आपका कोई फर्नीचर डेको से बना हुआ है उसके ऊपर डेको पेंट हुआ हुआ है तो पानी का ध्यान रखिएगा। अब पांचवी बात करते हैं पीयू की। पीयू एक अच्छा हाई ग्रेडेड वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, इसको जनरली लगाने के बाद पानी से खराब नहीं होता है क्योंकि पूरी अपनी लेयर उस तरीके से बना लेता है, बस शर्त यह कि अच्छा पीयू हुआ हो तभी वो वाटर रेजिस्टेंट होगा, नहीं तो उसके अंदर भी पानी के स्पॉट्स लग जाएंगे।